तो गाइस यार आज की वीडियो में बात करेंगे मेडी असिस्ट हेल्थ केयर आईपीओ के जीएमपी अपडेट्स और लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में। आज की वीडियो में इसके जीएमपी अपडेट्स और लिस्टिंग गेन के बारे में बात करेंगे, साथ ही में इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में जानेंगे। ओपनिंग डेट के दिन यानी कल मेडी असिस्ट हेल्थ केयर आईपीओ को कितने लोगों ने जो सब्सक्राइब किया है, आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी देखने को मिले। तो वीडियो को अंत तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पर ना तो चलो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियोस लाते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडी असिस्ट हेल्थ केयर आईपीओ के जीएमपी अपडेट्स के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16 जनवरी को 33 रुपए की हमें इसकी जीएमपी देखने को मिलती है और 15 जनवरी को ओपनिंग डेट के दिन इसकी 33 रुपए की हमें जीएमपी देखने को मिली थी। इसकी आईपीओ प्राइस की बात करें तो 418 रुपए इसकी आईपीओ प्राइस है, और यार आईपीओ प्राइस के मुकाबले इसकी जीएमपी में बहुत ही कम देखने को मिली, क्योंकि यार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ 33 हमें जीएमपी देखने को मिली है। और एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात करो तो 451 रुपए का इसका लिस्टिंग प्राइस देखने को मिलता है, और 7.90% की हमें इसकी लिस्टिंग गेन देखने को मिलती है। लिस्टिंग गेन भी हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है यार, मतलब आईपीओ अभी स्टार्ट हुआ और सिर्फ 7% की हमें लिस्टिंग गेन देखने को मिली है। हो सकता है लिस्टिंग डेट के दिन हमें इसकी 50% तक लिस्टिंग देखने को मिल सके, पर यार भी हो सकता है कि 5% हमें लिस्टिंग देखने को मिल सके, लेकिन यार 5% से हमें कम तो लिस्टिंग इसकी नहीं देखने को मिलेगी। सर ये तो इसकी लिस्टिंग डेट की बात, अब हम बात करते हैं इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में। तो मेडी असिस्ट हेल्थ केयर आईपीओ लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस में यहाँ पर आप देख सकते हैं एनएससी प्लस बीसी, मतलब ये जो मेन बोर्ड आईपीओ यहाँ पर जो मतलब जिससे हमें वीडियो बना उस टाइम का लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईपीओ बाइडिंग लाइव अपडेट्स फ्रॉम बीएससी प्लस एनएस, मतलब जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम का लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 जनवरी की इसकी ओपनिंग डेट थी, 15 जनवरी को क्यूआईबी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स में सिर्फ 0.00 टाइम्स लोगों को नहीं सब्सक्राइब किया है, मतलब कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को किसने भी इसे सब्सक्राइब नहीं किया है। एनआरआई की बात करें नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तो 0.45 टाइम्स इसको जो है सब्सक्राइब किया है। एसएनआई में आप देख सकते 0.63 टाइम्स जिसको सब्सक्राइब हुआ है, बीएनआई में 0.36 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, और आरआरआई यानी जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं उसमें 0.91 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.91 यानी कि जिसने इसमें जो सब्सक्राइब किया इसके आईपीओ में, लगभग सभी को इसका आईपीओ मिलने के चांस हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप जैसे सिर्फ 0.91 टाइम से हमें सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल रहा है, मतलब अभी की बात करें तो मतलब कि लगभग सभी को इसका आईपीओ मिलने के चांस हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें, मतलब आने वाले समय हो सकता है इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस हमें बढ़ता हुआ देखने को मिले, मतलब कल इसकी क्लोजिंग डेट है, कल और आईपीओ में जो और भी थोड़े जो हमें देखने को मिले अप्लाई के लिए, तो ये हो सकता है कि इसमें 2x का हमें सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखने को मिले आरआई में। तो यार मतलब कि दो बंदों में से किसी एक व्यक्ति को इसका आईपीओ मिलने के हमें चांस देखने को मिल रहे हैं, तब यार इसके आईपीओ में सबसे ज्यादा हमें चांस देखने को मिल रहे हैं मिलने के। टोटल की बात करें 0.55 टाइम्स हमें इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखने को मिलता है। तो यार ये थे इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन स्टेटस। आई बार वीडियो पसंद होगी पसंद आते हो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।